देवभूमि, यहाँ के लिए, यहाँ की संस्कृति के लिए, यहाँ की लोक परंपरा के लिए, यहाँ की वेशभूषा के लिए, रीति रिवाज के लिए और खान पान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आज मैं इसी उपलक्ष्य में आपको एक यहाँ की लोकल डिश के बारे में बताऊंगा, जिसे कहते हैं इंद्रा। ये कुलत से बनता है, कुलत से कुल्थी या इंग्लिश में हॉर्स ग्राम भी कहा जाता है। कुलत ऊपरी शिमला में गर्म इलाके में अधिक पाया जाता है और ये भारतवर्ष में साउथ में भी होता है, जहाँ की सांभर वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी बार यहाँ पे भी इसको, जो ये आज मैं आपको डिश के बारे में बता रहा हूँ, इंद्री के बारे में विस्तार से आपको चर्चा करूँगा। ये स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक तौर से बहुत ही लाभदायक है। इसे सर्दी जुकाम के लिए, किडनी के लिए और कई प्रकार से ये लाभदायक है। तो आज आपको वीडियो के माध्यम से आपको इस कुलत का इंद्रा बनाने की विधि विस्तार से बताना चाहूँगा। आप भी अपने घर में अपने परिवार के साथ इसे बनाएं और इसका लुत्फ लें। आप क्या बना रहे हैं? ये इंद्रे बना रहे हैं। इंद्रे ये किस चीज से बनते हैं, कैसे बनते हैं, थोड़ा हमें आप इसके बारे में बताएंगे? ये कुलत है, वोना कुलत छाटने पहले ते पाने बड़ी पानी दी, फिर ते दने जे रूजने, फिर दो प्यूजने, ते नरम जे होने ते पीसने, शीला गाय पीसने दो प्यूज होता है ना। आपने कहा ये कुलत शाम को हमने छाट कर उन्हें पानी में रखा, पानी में भिगोया और सुबह उसके उठकर आपने इसको पीसा। आपने कहा शील पर, शील मतलब एक स्लेट का पत्थर, जिस तरह इसे इसे गोल से पत्थर से पीस कर आपने बहुत ही अच्छा, मशीन से भी अच्छा पीसा, पर आजकल कुछ लोग इसे मशीन से भी पीसते हैं, पर लेकिन शायद उसका टेस्ट नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो स्लेट पे पीसते हैं इस पे स्वाद बहुत अच्छा आता है, मशीन से उतना अच्छा नहीं आता है। उसके बाद आप इसमें मसाले आदि डालकर इसे कुछ आगे इसमें और भी एक चीज डालते हैं जो कचालू काट कर डाला जाता है। कचालू चालू पाए काटियो और उसे पतीले में बॉईल किया नीचे, वो आप उस पे लकड़ी डालते हैं, थोड़ा घास और पानी डालते हैं, बॉईल किया जाता है। पर आजकल तो मशीन में गोल गोल गोले पाटे ये ऑलरेडी करना है, तुम्हारे बनाना है इनके इंद्रे बनाए थे। अच्छा, ये जो हम इंद्रे बना रहे हैं, इंद्रे इस पे बनाए जाएंगे। हाँ जी, कौन सा इंद्रे के, इंद्रे बनाते समय पत्ते के ऊपर एक पत्ता जरा मुझे दिखाएंगे? हाँ जी, इसके ऊपर एक एंगन बनाने थे, एंगन है दो यान है, इस पत्ते पे रख के एक एक ना कोल तो सो पाणो है। अच्छा अच्छा, इस पे रख के आप इसके फिर इसे बॉईल करेंगे फिर? हाँ जी, ऊपर से जैसे ढकेंगे हम या बनावा ही ना तांबे थे दे। ठीक है, तांबे तम सु शायद दोने पाए थे, क्या नाम कुछ भी थी टैग अच्छा, इसका मतलब मैं समझ गया आपकी बात को। हाँ जी, कि आपने इसके ऊपर बनाया, इसके ऊपर इसको वहाँ डाल के बॉईल करा। हाँ जी, और आपने किसी बड़े से खुले से बर्तन में इसको काफी दो तीन घंटे तक बॉईल किया और बन करे आपको। हाँ, आपको अभी बनकर तैयार करके कुलत, क्या नाम है बुनने ते इंद्रे भी पौड़े भी आते जो या कौन खूब जा गोने गोने जा और ऐसे पुनने ते कचालू। अच्छा, आपका कहने का मतलब इसको घोल के इसमें कचालू के पीस बना के इसको इसका स्वादिष्ट बनाने के लिए? हाँ जी, यानी बारीक बिल्कुल जाना बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, फिर ऐसे पुनने ते मसाले पुनने नमक हल्दी जीरो पीपी जो जना वजह तरह तरह टेस्ट कौन है जी। हां जी, जैसे स्वाद अनुसार आप इसमें मसाले डाल दें। हां जी, आप डाल के बताएंगे आप हमें जरा थोड़ा सा बता वो कैसे बनाते हैं? मैं बताऊंगा बेबी जी, आप थोड़ा संक्षिप्त में जल्दी से। हां जी हां जी हां जी, बताइए। हां जी हां जी, हां बनाना है और अच्छा, दो पत्ते पर इसको रख के ऊपर से एक पत्ते से करके। हाँ जी, आप इसे बॉईल करने के बॉईल करके तब सीडू में करे या तांबिया में पहले बताओ सो तो तनो। अच्छा, है कि नहीं तब जब बनाना है
अच्छा इसके पास, इसके बाद आप उसको सिड्डू मेकर इसमें डालकर इसको कितनी देर तक आप इसमें रखते हैं? आधा घंटा एक घंटा जी। बाद ये बनकर आपकी डिश तैयार हो जाएगी। खाए इसके बाद बने थे बढ़िया। अच्छा अच्छा, इसका इसको बनाने के बाद इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं और इसे आप इसे दाल और चावल के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही यूनिक आइटम होती है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक रहता है। इंदिरा बनकर तैयार हो चुका है। खाने का लुत्फ आप चाय के साथ ले सकते हो, वाह, या आप चावल दाल के साथ इसको मिक्स करके भी खाया जा सकता है। और मैं एक चीज़ और इसके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप इसको वो करके बारीक करके इसकी सब्जी मैश करके इसको सब्जी भी बना सकते हैं, इसकी जो आप चपाती के साथ खाते हैं उसका भी लुत्फ ले सकते हो।